राज्यसभा चुनाव निपटने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल के नामों को अंतिम रूप देने के लिए सीएम शिवराज सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा में जुटे हुए हैं। कुछ नामों को लेकर मतभेद हैं, जिन्हें सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच पता चला कि सीएम शिवराज आज शाम दिल्ली जा सकते हैं। वे वहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करेंगे। उधर सूत्रों से खबर मिली है कि यूपी के राज्यपाल को मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जा सकता है। बुधवार को सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लंबी चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है और कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम शिवराज के अधिकार क्षेत्र का मामला है। वे जल्द ही दिल्ली जाएंगे, वहां से हरी झंडी मिलते ही वे मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री हम लोग सब थे और एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है, दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, दिल्ली चर्चा करेंगे।